हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनुज शर्मा। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं, संकरण हाइब्रिडाइजेशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी परमाणु की, किसी अणुओं में उनकी संरचना ज्ञात करना, उनका आबंध कोण ज्ञात करना, उनकी ज्यामिति ज्ञात करना, ये सब चीज़ें संकरण के द्वारा ही कैलकुलेट की जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संकरण की परिभाषा क्या होती है। किसी परमाणु के बाह्यतम कोष के लगभग समान ऊर्जा वाले असमान कक्षकों के मिश्रित होकर ऊर्जा के पुनर्वितरण द्वारा समान ऊर्जा तथा आकार वाले समान संख्या में नए कक्षकों के बनने की प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। और इस संकरण के दौरान जो नए कक्षकों का निर्माण होता है, उनको हम संकरित कक्षक कहते हैं, एवं ये कक्षक संकरित कक्षक कहलाते हैं। जैसे कार्बन का एक 2s कक्षक तथा तीन 2p कक्षक संकरण द्वारा चार नए sp3 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हम कार्बन का उदाहरण लेके देखते हैं कि किस तरीके से संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0, यानी 2px एक्स और वाई में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और 2pz में शून्य इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्बन का मूल अवस्था में होता है, मूल अवस्था में यानी कि परमाणविक अवस्था में होता है। अब कार्बन जब किसी नए यौगिक का निर्माण करता है तो उससे पहले इसके इलेक्ट्रॉनों का पुनर्विन्यास होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं उत्तेजित अवस्था का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, कार्बन 6 1s2 2s1, यानी कि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल के 2pz कक्षक के अंदर चला जाता है, यानी कि परमाणवीय कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का पुनर्विन्यास हो रहा है। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2px1, 2py1 और 2pz1। तो इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मूल अवस्था के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को 1s2, 2s2 और 2px1 और 2py1 और z में शून्य इलेक्ट्रॉन है। और जब उत्तेजित अवस्था में कार्बन आता है तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से 2pz के अंदर चला जाता है। तो जो उत्तेजित अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz1। इस तरीके से इन चार संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन के पुनर्वितरण को, इस इलेक्ट्रॉन के उत्तेजन को, इस इलेक्ट्रॉन के पुनर्विन्यास को हम संकरण कहते हैं। और इसके अंदर जो कक्षकों का निर्माण होता है उसको हम संकरित कक्षक कहते हैं। और यहाँ पर sp3 यानी एक s कक्षक का इलेक्ट्रॉन और p3 एक sp3 संकरण से युक्त कक्षक का निर्माण होता है। तो संकरण में कक्षकों का मिश्रण होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का कोई संबंध नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ आप देख सकते हैं 2s और 2pz कक्षकों का आपस में मिश्रण हो रहा है। तो समान ऊर्जा के कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, यानी कि उन्हीं कक्षकों में आपस में संकरण होता है जिनकी ऊर्जा लगभग या बिल्कुल बराबर होती है। अगर ऊर्जा अंतर कक्षकों के बीच में बहुत ज़्यादा होता है तो वे कक्षक संकरण में भाग नहीं ले सकते हैं। आधे भरे कक्षक संकरण में भाग ले सकते हैं। कभी कभी अपूर्ण कक्षक भी पूर्ण के साथ कक्षक भी संकरण में भाग ले सकते हैं। किसी अणु में संकरण के दौरान केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था उसकी उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो जाती है। संकरण के लिए इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन आवश्यक नहीं है और संकरित कक्षक अपनी ऊर्जा न्यून रखते हैं जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्थायी हो सकें। जितने परमाणु कक्षक मिलकर संकरण करते हैं उतने ही संकरित कक्षक बनते हैं। यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 चार कक्षक आपस में मिलकर संकरण कर रहे हैं तो चार संकरित कक्षकों का निर्माण होता है, यानी कि एक एस और 3p, कुल मिला के 4 संकरित कक्षक बनते हैं और इसका संकरण हो जाता है sp3। विशिष्ट संकरण से प्राप्त सभी संकरित कक्षकों का त्रिविम विन्यास एक समान होता है। संकरण के प्रकार, सबसे पहले हम देखते हैं संकरण जो होता है
कितने प्रकार का होता है? एसपी संकरण, यानी कि एसपी संकरण के अंदर एक एस और एवं एक पी कक्षक आपस में संकरित होते हैं और एसपी संकरण का निर्माण करते हैं। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, BeCl2 का अणु होता है बेरिलियम क्लोराइड। इसमें बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 होता है। तो यहाँ से मूल अवस्था में जब बेरिलियम उत्तेजित अवस्था में आता है तो 1s इलेक्ट्रॉन निकलकर 2p के अंदर चला जाता है एवं संकरण हो जाता है और sp कक्षक का निर्माण होता है। यहाँ पर इस हमने 1s दिखाया हुआ है और इसको p कक्षक दिखाया हुआ है, तो इस तरीके से 2p, तो 2p के अंदर जब दोनों आपस में संकरित होते हैं तो इस तरीके से संकरित कक्षक का निर्माण होता है और इन दोनों कक्षकों के बीच में जो बंद कोण होता है, जो कोण का होता मान होता है वो 180 डिग्री होता है। बेरिलियम और दोनों क्लोरीन के बीच में, बेरिलियम का परमाणु और ये क्लोरीन के दोनों परमाणु, इनके बीच में जो बंद कोण होता है वो 180 डिग्री होता है और इसकी जो संरचना होती है वो रेखीय संरचना होती है। यानी किसी भी अणु के अंदर अगर sp संकरण होता है तो उसकी संरचना रेखीय होती है और यहाँ पर जो कोण का मान होता है वो 180 डिग्री होता है। sp2 संकरण के अंदर देखते हैं s कक्षक, px और py कक्षक, एक s कक्षक, एक px और एक py दोनों मिलके sp2 का निर्माण करते हैं और संरचना इस तरीके से कुछ त्रिकोणीय बन जाती है। ये दोनों तीनों लोब एक दूसरे के बीच में 120 डिग्री का कोण होता है और इसका उदाहरण BCl3 होता है। और इस केस में त्रिकोणीय यानी कि एक त्रिभुज बन जाता है जिसको हम त्रिकोणीय संरचना कहते हैं। उदाहरण इसका BCl3 होता है, BCl3 और इनके बीच में 120 डिग्री का कोण होता है। sp3 के अंदर देखते हैं यहाँ पर एक s कक्षक होता है, एक px, py और pz तीनों लोब होती हैं और ये मिलके एक चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करती हैं जिसकी संरचना को हम चतुष्फलकीय बोलते हैं। वो कुछ इस तरीके से होती है और इनके बीच में जो बंद कोण होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। इसका उदाहरण हम मीथेन के अणु द्वारा समझा सकते हैं। यहाँ पर कार्बन और 4 हाइड्रोजन, इस तरीके से 3 हाइड्रोजन मिलके एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं और जो चौथा हाइड्रोजन होता है वो बोर्ड के प्लेन के बाहर की तरफ होता है और उसके बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होता है। कुछ अणुओं की आकृति, आबंध कोण, इलेक्ट्रॉन, युग्म आदि। अब हम इस टॉपिक में देखते हैं कि अणुओं की आकृति क्या होती है, किस तरीके से संकरण के ऊपर निर्भर होती है, आबंध कोण उसमें क्या होता है और इलेक्ट्रॉन युग्म आने की वजह से अणुओं की आकृति एवं आबंध कोण में क्या परिवर्तन आ जाता है, उसके क्या उदाहरण होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संकरण तथा मिश्रित कक्षक कौन कौन से होते हैं। पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में हमने रखा है आबंध युग्मों की संख्या, तीसरे में मुक्त युग्म यानी इलेक्ट्रॉन युग्म जो एकाकी युग्म होते हैं उसकी आकृति क्या होती है, आबंध कोण एवं उदाहरण। तो sp संकरण के अंदर एक s कक्षक होता है और एक p कक्षक होता है। यहाँ पर अगर आबंध युग्मों की संख्या 2 है और एकाकी युग्म यानी मुक्त युग्मों की संख्या 0 है तो हमारी संरचना आकृति रेखीय हो जाएगी और आबंध कोण का मान 180 डिग्री होगा। और इस केस में जो उदाहरण होते हैं अणुओं के वो कौन कौन से होते हैं, CO2, BeF2, BeCl2, BeBr2, CH2, C2H2 और ZnCl2, यानी इन सभी मॉलिक्यूलों में आकृति रेखीय होती है, इनके अंदर मुक्त युग्म की संख्या 0 होती है और आबंध युग्मों की संख्या 2 होती है। यदि संकरण sp2 है उसके अंदर एक s कक्षक होता है और 2p कक्षक होते हैं, आबंध युग्मों की संख्या 3 है और मुक्त युग्मों की संख्या यदि 0 है तो यहाँ पर आकृति त्रिकोणीय हो जाएगी और बंद कोण का मान 120 डिग्री होगा। इसके उदाहरण हैं BF3, BH3, SO3, C2H4, CH3+, CO3-2, NO3-, BeF3। और अगर इसी sp2 संकरण के अंदर आबंध युग्मों की संख्या 2 है और मुक्त युग्मों की संख्या 1 है तो आकृति V आकार की हो जाएगी यानी कोणीय आकार की हो जाएगी और आबंध कोण का मान 120 डिग्री से कम हो जाएगा। यहाँ पर उदाहरण SnCl2, SO2, HO3 और PbCl2। तीसरा आता है sp3 संकरण, यानी कि एक s कक्षक होता है और 3p कक्षक होते हैं। यहाँ पर अगर आबंध युग्मों की संख्या 4 है, मुक्त युग्मों की संख्या 0 है तो संरचना आकृति हो जाएगी चतुष्फलकीय और बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा।
उदाहरण CH4SO4-2 CCl4NH4+ BF4-ClO4- SnCl4। यदि sp3 संकरण में आबंध युग्मों की संख्या 3 है, मुक्त युग्मों की संख्या 1 है तो आकृति पिरामिडी हो जाएगी। बंद कोण का मान 109°28' से कम हो जाएगा। उदाहरण NH3 PCl3 CH3- BiCl3 H3O+ और XeO3 होता है। और अगर sp3 संकरण के अंदर आबंध युग्मों की एवं मुक्त युग्मों की संख्या 2-2 हो जाए तो संरचना V आकार की कोणीय हो जाएगी। आबंध कोण का मान 109°28' से कम हो जाएगा। OF2, H2O, HCl2 और NH2- आदि उदाहरण इसके हैं। अब तीसरा नंबर आता है sp3d संकरण। यहाँ पर एक S कक्षक है, 3 P कक्षक हैं और एक DZ2। तो इस केस में अगर आबंध युग्मों की संख्या 5 है, मुक्त युग्मों की संख्या 0 है तो संरचना त्रिकोणीय पिरामिडी हो जाएगी। और इसमें दो प्रकार के आबंध कोण बनते हैं, 120° और 90° का। और यहाँ पर उदाहरण PCl5, PF5 और SDF5 हो जाएगा। आबंध युग्मों की संख्या 4 और मुक्त युग्मों की संख्या 1 है तो आकृति हो जाएगी अनियमित चतुष्फलकीय यानी सीसॉ। इसमें आबंध कोण का मान 104° और 89° हो जाएगा। SF4 और XeO2 F2 इसके उदाहरण हैं। और यदि sp3d संकरण के अंदर आबंध युग्मों की संख्या 3 है, मुक्त युग्मों की संख्या 2 है तो संरचना आकृति टी प्रकार की हो जाएगी। 87.6° इसका आबंध कोण होगा, ClF3 और XeOF2। और अगर आबंध युग्मों की संख्या 2 है और मुक्त युग्मों की संख्या 3 है तो इस केस में आकृति हो जाएगी रेखीय। बंद कोण का मान 180° हो जाएगा। और यहाँ पर जो उदाहरण होगा XeF2I3- और ICl2-। किसी अणु या आयन में संकरण निकाल के हम बता सकते हैं कि उस अणु आयन में क्या ज्यामिति होगी, उसकी संरचना क्या होगी, उसकी संरचना में क्या परिवर्तन आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसी अणु या आयन में संकरण H निकालने का सूत्र क्या होता है। सूत्र होता है 1/2 केंद्रीय परमाणु की बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़े एक संयोजी परमाणुओं की संख्या माइनस धनावेश प्लस ऋणावेश। अगर धनावेश और ऋणावेश परमाणु या आयन के ऊपर होता है तो वो रखेंगे, और अगर अणु में धनावेश या ऋणावेश नहीं है तो उसको हम नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सवाल आता है कि केंद्रीय परमाणु की हम कैसे पहचान करते हैं किसी अणु के अंदर। केंद्रीय परमाणु 3 बातों के ऊपर निर्भर करता है कि जो केंद्रीय परमाणु वो होता है जो अणु के अंदर संख्या में सबसे कम होता है, दूसरा पॉइंट होता है कम विद्युत ऋणात्मक होता है, और तीसरा पॉइंट होता है हाइड्रोजन कभी भी केंद्रीय परमाणु का काम नहीं करता है। तो 3 बिंदुओं के आधार पर हम अणु के अंदर केंद्रीय परमाणु निर्धारित कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है एक संयोजी परमाणु, केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़े एक संयोजी परमाणु। एक संयोजी परमाणु कौन कौन से होते हैं, यानी कि जिनकी संयोजकता 1 होती है, जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये सभी परमाणु जो होते हैं एक संयोजी होते हैं, इनके अलावा बाकी परमाणु एक संयोजी नहीं होते हैं। तो अब हम यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा एक एक करके संकरण का मान निकालेंगे और उससे बताएंगे कि उसकी ज्यामिति क्या होती है। और जैसे हम CO2 का अणु लेते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर केंद्रीय परमाणु निर्धारित करते हैं। केंद्रीय परमाणु वो होता है जो संख्या में कम होता है। यहाँ पर कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है, तो कार्बन 1 होने के कारण ऑक्सीजन से कम है यानी कि संख्या में कम है, तो यहाँ पर केंद्रीय परमाणु कार्बन हो जाएगा। और सूत्र हम लगाएंगे 1/2 कार्बन की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है, 4। तो उसके बाद केंद्रीय परमाणु से जुड़े एक संयोजी परमाणुओं की संख्या, हमारा ऑक्सीजन जो होता है ये एक संयोजी नहीं होता है, द्विसंयोजी होता है, इसलिए हम यहाँ पर ऑक्सीजन को काउंट नहीं करेंगे। तो यानी कि 1/2 × 4 = 2 आ गया। 2 संख्या आने का मतलब होता है संकरण sp हो जाएगा, sp संकरण, यानी कि एक s कक्षक और एक p। तो यहाँ पर जो एकाकी युग्म 0 है क्योंकि कार्बन की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसने 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ बंध बनाया हुआ है और 2 ऑक्सीजन के साथ बंध बनाया हुआ है, और एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉनों का इस्तेमाल करती है और 2 ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉनों का इस्तेमाल करेगी, यानी कि कार्बन के पास
एकाक युग्म शून्य हो गया। तो ज्यामिति एसपी आने के कारण यहाँ पर ज्यामिति हो जाएगी रेखीय। अब बीएफ थ्री के अंदर निकालते हैं एक बटा दो, यहाँ पर बोरोन केंद्रीय परमाणु है और इसकी बाह्यतम कक्षा में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके साथ एक संयोजी परमाणु तीन फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तीन प्लस तीन बराबर तीन हो जाएगा। तो यहाँ पर संकरण निकल के आ जाएगा sp2। एकाक युग्म यहाँ भी शून्य है तो इस केस में जो संरचना हो जाएगी वो त्रिकोणीय हो जाएगी, क्योंकि sp2 संकरण की अवस्था में ज्यामिति जो होती है वो त्रिकोणीय होती है। ऐसा ही f6 के अंदर सिलिकॉन की बाह्यतम कक्षा में फोर इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके साथ फोर एकाकी एक संयोजी मोनोवेलेंट फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, इसका संकरण फोर आ जाएगा यानी कि sp3 आ जाएगा और एकाकी युग्म शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ज्यामिति होगी चतुष्फलकीय हो जाएगी। PCl5 एक बटा दो, फॉस्फोरस की बाह्यतम कक्षा में पाँच, पाँच Cl बराबर पाँच, sp3d यानी कि इस संकरण की अवस्था में जो संरचना होगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होगी, क्योंकि यहाँ पर भी एकाकी युग्म शून्य है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय हो जाएगी। SF6 के अंदर निकालते हैं सल्फर की बाह्यतम कक्षा में छः इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके साथ छः फ्लोरीन जुड़े हुए हैं यानी कि छः आ जाएगा। तो इसमें संकरण हो जाएगा sp3d2। यहाँ पर भी एकाक युग्म शून्य है तो यहाँ पर जो संरचना निकल के आएगी वो आ जाएगी अष्टफलकीय, क्योंकि sp3d2 संकरण में एकाक युग्म शून्य हो तो संरचना हो जाती है अष्टफलकीय। IF7 के अंदर 1/2 आयोडीन की बाह्यतम कक्षा में सात इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके साथ सात फ्लोरीन जुड़ जाएंगे तो संकरण आ जाएगा सात यानी कि sp3d3 और यहाँ पर भी एकाक युग्म की संख्या शून्य हो जाएगी तो ज्यामिति हो जाएगी पंचकोणीय पंचभुजीय द्विपिरामिड। अमोनिया के केस में निकालते हैं तो एक बटा दो, नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े हुए होते हैं तो यहां पर संकरण चार निकल के आएगा sp3 एकाकी युग्म आ गया। अगर एकाकी युग्म ना होता तो इसकी संरचना होती चतुष्फलकीय, लेकिन एक एकाकी युग्म आने के कारण यह पिरामिडी संरचना का हो जाता है। H2O के अंदर केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन होता है, एक बटा दो, यहाँ पर ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा में छः इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके साथ एक संयोजी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, दो हाइड्रोजन जुड़े हैं तो संकरण आ जाएगा फोर यानी कि sp3 और इसके पास एकाकी युग्म एक आने के कारण एक एकाकी युग्म आ जाएगा तो एकाकी युग्मों की संख्या यहाँ पर दो हो जाएगी, क्योंकि सल्फर की बाह्यतम कक्षा में छः इलेक्ट्रॉन होते हैं और दो हाइड्रोजन के साथ उसने दो बंध बना लिए तो चार इलेक्ट्रॉन बचे यानी एकाकी युग्म दो बच गए। तो यहाँ पर ज्यामिति जो होगी वो वी आकार की हो जाएगी, वी आकृति की यानी कोणीय आकृति की हो जाएगी, बेंट आकार की। शेष 3+ के अंदर एक बटा दो, कार्बन की बाह्यतम कक्षा में फोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन इसके साथ एक संयोजी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक धनावेश है, धनावेश को हम हमेशा माइनस करते हैं, इसमें से माइनस कर देंगे तो चार तीन सात और एक यानी कि तीन sp2 संकरण हो जाएगा। यहाँ पर एकाकी युग्मों की संख्या शून्य है तो ये संरचना हो जाएगी त्रिकोणीय, sp2 संकरण में जो संरचना होती है वो हमेशा त्रिकोणीय होती है। NO3- के अंदर नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन द्विसंयोजी होती है इसको काउंट नहीं करते और एक ऋणावेश को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर तीन आ जाता है, संकरण sp2 और इसके अंदर एकाकी युग्म की संख्या शून्य होती है यानी कि संरचना त्रिकोणीय हो जाएगी।
H3O प्लस के अंदर 1/2 केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वाहकता कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन और 1 धनावेश है, तो इसको माइनस कर देंगे यानी कि 4sp3। दो एकाकी युग्म आ जाएंगे तो इसकी संरचना भी कोणीय आकार की हो जाएगी, H2O जल के अणुओं के जैसी हो जाएगी। CO3-2 के अंदर 1/2 केंद्रीय परमाणु कार्बन और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ द्विसंयोजी परमाणु ऑक्सीजन और प्लस यहाँ पर ऋणावेश 2 हो जाएगा, 3 यानी कि sp2। एकाकी युग्म शून्य है, यहाँ पर इसकी संरचना त्रिकोणीय हो जाएगी। और SO3-2 1/2 6+2 4 sp3 एकाकी युग्म शून्य यानी कि चतुष्फलकीय है। बच्चों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। अगला वीडियो जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद।